बार की बात है, एक लड़का जिसका नाम टिंकू था, वो तीसरी क्लास में पढ़ता था। वो बहुत ही होशियार बच्चा था, जो हर विषय में पूरे नंबर लाता था। उसे स्पोर्ट्स खेलना भी बहुत पसंद था। टिंकू को स्पोर्ट्स खेलना अच्छा लगता था, लेकिन एक परेशानी थी। वो अच्छी तरह से दौड़ नहीं पाता था। हालांकि उसे दौड़ना अच्छा लगता था, लेकिन वो कोई भी दौड़ जीत नहीं पाता था। क्यों दौड़ में हमेशा मैं सबसे पीछे रह जाता हूँ? मैं तेजी से क्यों नहीं दौड़ पाता? तुम क्यों रो रहे हो टिंकू? तुम कौन हो? मैं एक मैजिकल फेरी हूँ टिंकू। मैजिकल? हाँ, और मैं काफी वक्त से तुम्हारी दौड़ देख रही हूँ। तुम ये भी कह सकते हो कि मैं तुम्हारी फैन हूँ। फैन? किस लिए? मैं कभी जीत भी नहीं पाता। जरूर जीतोगे। मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा लेकर आई हूँ। तोहफा? ये क्या है? नए स्पोर्ट्स शूज। अब चलो इन्हें पहनो। मुझे एकदम से ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत हल्का हो गया हूँ, जैसे मैं उड़ सकता हूँ। ये मैजिक शूज हैं टिंकू, इन्हें ध्यान से रखना। दौड़ के दौरान इसे पहनोगे तो कभी नहीं हार सकोगे। सच? लेकिन एक शर्त है। वो क्या है? तुम्हें इन जूतों का इस्तेमाल हर रोज करना होगा। हर रोज तुम्हें इन जूतों को पहनकर कम से कम आधे घंटे दौड़ना होगा। अगर एक भी दिन तुम नहीं दौड़े तो इनका जादू खत्म हो जाएगा। बस इतनी सी बात? ठीक है, मैं इनका इस्तेमाल हर रोज करूंगा। कोई बड़ी बात नहीं है। और इस तरह टिंकू सुपर फास्ट एक्सप्रेस टिंकू बन गया। वो नए जूतों को पहनकर हर रोज पार्क में जाता। वो सभी से तेज दौड़ता था। ये इतनी तेजी से कौन दौड़ रहा है? जानते नहीं तुम? ये तो सुपर फास्ट एक्सप्रेस टिंकू है। इस लड़के में कमाल की तेजी है। टिंकू ने इन जादुई जूतों का इस्तेमाल लोगों की मदद करने के लिए भी किया। अरे, तुम किस तरफ जा रही हो लड़की? ओह, सुपर फास्ट एक्सप्रेस टिंकू, थैंक यू। मामा, मैंने पार्टी का सारा सामान दुकान से खरीद लिया है। थैंक यू मेरे सुपर फास्ट एक्सप्रेस टिंकू, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। लेकिन सबसे खास बात, टिंकू अब स्कूल की हर दौड़ जीतने लगा था। और इस बार फिर से विजेता है हमारे सुपर फास्ट एक्सप्रेस टिंकू। ये हमेशा जीत जाता है, हम इसे कभी नहीं हरा पाएंगे। सुपर फास्ट एक्सप्रेस टिंकू, सुपर फास्ट एक्सप्रेस टिंकू।
लेकिन समय एक जैसा नहीं रहता और जल्द ही टिंकू के साथ भी ऐसा ही हुआ। ओहो टिंकू, अब उठोगे नहीं क्या? दौड़ पर जाने का वक्त हो गया है। मम्मा, आज कितनी सर्दी है, मुझे थोड़ा और सोना है। ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ी देर में आकर जगाती हूँ। टिंकू, सूरज सिर पर चढ़ाया है, आज तुम दौड़ने नहीं जाना चाहते हो क्या? हाँ ठीक है, जा रहा हूँ। क्या मेरा हर दिन दौड़ना जरूरी है? मुझे यकीन है अगर एक दिन मैं नहीं जाऊंगा तो फेरी को बुरा नहीं लगेगा। खड़े हो जाओ टिंकू। मम्मा, मैं बहुत थका हुआ हूँ, आज मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, सोने दो ना। अच्छा ठीक है, सो जाओ। अगले दिन जब टिंकू फिर से पार्क में गया, ओ मैजिक शूज, उम्मीद करता हूँ तुम मुझसे खफा नहीं हो। अब चलो। ओह, आज मैं बिल्कुल हल्का महसूस नहीं कर रहा। ओ शूज, नहीं, इनका जादू खत्म हो गया। ये मैंने क्या कर दिया। क्या हुआ टिंकू, तुम इतने उदास क्यों हो? कुछ नहीं मम्मा। खैर ठीक है, अब मुस्कुराओ। तुम्हारे स्पोर्ट्स टीचर ने अभी बात की थी, कल तुम्हें एक बहुत बड़ी दौड़ में दौड़ना है। कल तो तुम एक और ट्रॉफी जीत कर लाओगे। हाँ, नहीं। और वो बड़ी दौड़ का दिन आ गया, लेकिन बेचारा टिंकू अपना जादू खो चुका था। अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास कोई जादू नहीं है, मैं फिर से वैसा ही बन गया हूँ। और वो सभी लड़के कितने मजबूत लग रहे हैं। टिंकू, हमारा सुपर फास्ट एक्सप्रेस, बहुत बढ़िया, आज फिर से तुम स्कूल के लिए ट्रॉफी जीत कर लाओगे। और नहीं, हर कोई मुझसे बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा कर बैठा है, अब मैं क्या करूँगा? मैं इन सबको निराश नहीं करना चाहता। नहीं, मैं इन सबको निराश बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। हाँ, पूरी ताकत लगा दूंगा, जादू या बिना जादू। बॉयज, सभी अपने निशान पर, गेट सेट। नहीं, मैं हार नहीं सकता। क्या हुआ अगर मेरे पास मेरे मैजिक शूज नहीं है? लेकिन मैंने हर रोज अभ्यास किया है, मुझे बस थोड़ा और विश्वास रखना होगा और पूरी पूरी मेहनत लगानी होगी। पूरी पूरी मेहनत लगानी होगी। और इस बार का विजेता है फिर से अपना हमारा सुपर फास्ट एक्सप्रेस टिंकू। हे टिंकू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छा, थैंक यू। तुम बहुत अच्छा दौड़े। कि मैं बिना मैजिक शूज के जीत कैसे गया? टिंकू बच्चे, तुम्हें अब मैजिक शूज की और जरूरत नहीं है। तुमने देखा नहीं, तुमने ये दौड़ अपनी मेहनत से जीती है, क्योंकि तुम हर रोज अभ्यास करते थे। सच में? हाँ, कड़ी मेहनत से बड़ा और कोई जादू नहीं होता। हाँ,
अब मुझे मैजिक शूज की कोई जरूरत नहीं, मैं हर रोज अभ्यास करूँगा। कड़ी मेहनत से बड़ा और कोई जादू नहीं होता। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।